हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीआईसीआई बैंक एक्सप्रेशन सफारी डेबिट कार्ड के बारे में कि इस डेबिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके फीस और चार्जेस क्या हैं। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का एक टॉप एंड वेरिएंट डेबिट कार्ड है, या फिर आप इसको जो है एक प्रीमियम डेबिट कार्ड कह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके ज्वाइनिंग बेनिफिट्स हैं। तो इसमें आपको 1,000 रुपये का ऑफ या फिर आपका ये डिस्काउंट मिलता है क्रोमा पे, मिनिमम 5,000 रुपये के परचेस पे। तो ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि मिनिमम 5,000 रुपये का परचेस करेंगे अगर आप क्रोमा पे, तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा ज्वाइनिंग बेनिफिट के तौर पे। 1,000 रुपये का आपको काया का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो कि आपको डेबिट कार्ड के साथ में मिल जाएगा। जब आपको आपका डेबिट कार्ड डिलीवर किया जाएगा तो उसी में रहेगा ये। और ये काया आपको स्किन क्लिनिक सर्विसेज देता है, और आपको 4 माउंटेन्स स्पा पे 500 रुपये का ऑफ मिलेगा, या फिर आप इसको डिस्काउंट कह सकते हैं 60 मिनट या फिर 60 मिनट के ऊपर के थेरेपी पे। और साथ में आपको 10 मिनट का एक एडिशनल, या फिर आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, हेड या फिर फुट मसाज मिलता है। सवारी का आपको 500 रुपये का वाउचर मिलता है, जो कि आप ऑनलाइन रिडीम कर सकते हैं सवारी.com से। सवारी ये ओला या फिर उबर की तरह से कैब रेंटल सर्विसेज देता है। सेंट्रल का आपको 500 रुपये का वाउचर मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 2,500 रुपये का परचेस करना होगा। और ये सेंट्रल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा, इसी तरह से ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम 2,500 रुपये का परचेस करना होगा, तब आप जो है ये 500 रुपये का वाउचर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रिडीम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरीज बताई गई हैं जिन पर आप ये वाउचर रिडीम नहीं कर सकते, काम नहीं करेगा, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, फ्रेग्रेंसेस, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन के जो एक्सेसरीज होती है उन पे आप जो है रिडीम नहीं कर सकते हैं, वाउचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खैर, ये तो थे ज्वाइनिंग बेनिफिट्स, जो आपको तब मिलते हैं जब आपको आपका डेबिट कार्ड मिलता है, मतलब कि फर्स्ट टाइम। लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऑनगोइंग बेनिफिट्स होते हैं जो आपको हमेशा मिलते रहते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको 25% का 25% का डिस्काउंट मिलता है बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करने पे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। और शर्तें ये कि मिनिमम आपको 2 टिकट्स परचेस करने होंगे, और ये ऑफ़र महीने में सिर्फ एक बार वैलिड होगा, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 200 रुपये तक का। और ये आपको ऑफ़र मिलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे, मतलब कि अगर अवेलेबल रहेगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं अवेलेबल रहेगा तो नहीं मिल पाएगा। और ये टिकट चाहे तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं बुक माई शो से, या फिर आप चाहे तो ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं आईनॉक्स मूवीज़ मल्टीप्लेक्स बॉक्स ऑफिस से। और ये ऑफ़र वैलिड नहीं होगा जो प्रीमियम रिक्लाइनर सीट्स होती हैं, या फिर जो सोफ़ा सीट्स, या फिर जो लॉन्जेस वगैरह के लिए, ये ऑफ़र अवेलेबल नहीं होगा, मतलब वैलिड नहीं होगा। और इसी तरह से आपको 25% का, मतलब कि 25% का डिस्काउंट मिलता है आईनॉक्स मूवीज़ मल्टीप्लेक्स से मूवी टिकट परचेस करने पे, और इसके लिए आपको मिनिमम 2 टिकट्स परचेस करने होंगे, और ये ऑफ़र महीने में एक बार वैलिड रहेगा, और वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे आपको मिलेगा ऑफ़र। और ये आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आईनॉक्स मूवीज़ से, या फिर आप चाहे तो वही बॉक्स ऑफिस से बुक कर सकते हैं ऑफलाइन। और ये भी ऑफ़र वैलिड नहीं होगा जो प्रीमियम रिक्लाइनर सीट्स या फिर सोफ़ा सीट्स या फिर लॉन्जेस होते हैं उन पे। और आपको 1,500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है अमेज़ोन का, और यहाँ पे बताया गया कि आप कैसे जो इस गिफ्ट कार्ड को ऐड कर सकते हैं अपने अमेज़ोन अकाउंट में। और मेक माई ट्रिप पे आपको 2,000 रुपये का वाउचर मिलता है डोमेस्टिक फ्लाइट या फिर होटल टिकट बुक करने पे। ये आप चाहे तो वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या फिर जो मोबाइल ऐप होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपये स्पेंड करने होंगे, मतलब मिनिमम 5,000 रुपये का परचेस करना होगा मेक माई ट्रिप से, तभी आप जो है ये 2,000 रुपये का वाउचर ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ इंश्योरेंस कवर और इसके साथ में जो है असिस्टेंस प्रोग्राम भी मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है, इस कार्ड का फीचर है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में, मतलब कि इमरजेंसी असिस्टेंस के बारे में। जैसे कि अगर आपको इमरजेंसी में कैश की ज़रूरत पड़ गई इंडिया के अंदर, तो आपको 20,000 रुपये तक मिल जाएंगे पैसे। और अगर आपको इमरजेंसी होटल बिल्स पे करने हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप विदेश में, बाहर देश में किसी ओवरसीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो आप 1,60,000 रुपये तक का पे कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कैश उतना। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ता है और उधर से आपको मदद मिल जाती है, और ये सब नंबर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे जब आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो इमरजेंसी होटल बिल्स ओवरसीज़, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जो है किसी बाहर देश में, इंडिया के बाहर हैं, और वहाँ पे आपको इमरजेंसी में होटल का बिल पे करना हो, और अगर आपके पास पैसे ना हो, तो आपको मदद मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आपको कॉल करना होता है, और आपको 1,60,000 रुपये की मदद मिलेगी ऐसे में, अगर आप किसी बाहर देश में हैं तो। और वहीं पे अगर आप इंडिया में और आपको होटल का बिल पे करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको 80,000 रुपये तक की मदद मिल जाएगी। और अगर आप विदेश में हैं और आपको ट्रैवल टिकट चाहिए इमरजेंसी में,
तो आप जो है 1,60,000 रुपये तक का ले सकते हैं, आपको इमरजेंसी में मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप इंडिया में और आपको टिकट बुक करना है इमरजेंसी में और आपके पास पैसे नहीं है तो आपको 80,000 रुपये तक का टिकट बुक करके दिया जाएगा। और आपको फ्रॉड प्रोटेक्शन अंडर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती है इस डेबिट कार्ड के साथ में, जिसमें कि फ्रॉड होने पर आपको पर कार्ड पर 20,000 रुपये तक की प्रोटेक्शन मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है इस डेबिट कार्ड से, जो कि पर क्वार्टर मतलब कि हर 3 महीने में 4 बार होता है, जो आप फ्री में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पिछले क्वार्टर में मिनिमम 5,000 रुपये स्पेंड करने होंगे अपने इस डेबिट कार्ड से, तब आप जो है एयरपोर्ट लॉन्च में एक्सेस ले सकते हैं फ्री में, अगर आपने पिछले क्वार्टर में 5,000 रुपये अपने इस डेबिट कार्ड से स्पेंड किए होंगे तब। और यहाँ पे लॉन्च की लिस्ट है जिसका लिंक आप लोगों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा आप। और इस डेबिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो आपको डोमेस्टिक स्पेंड पे हर 200 रुपये खर्च होने पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और इंटरनेशनल स्पेंड पे आपको 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 200 रुपये खर्च होने पे। और कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, वो कैटेगरीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड, टेलीकॉम, एजुकेशन, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट पेमेंट्स, फ्यूल एंड पोस्ट ऑफिस पेमेंट, और बाकी आपको डाइनिंग पे एक्सक्लूसिव ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं। और इस डेबिट कार्ड पे 0 फ्यूल सरचार्ज होता है, लेकिन ये तब होगा जब आपका जो डेबिट कार्ड है ये ICICI बैंक की स्वाइप मशीन पे स्वाइप होगा तब। और इसके अलावा जो पेट्रोल आउटलेट्स होते हैं मतलब कि जो फ्यूल आउटलेट्स होते हैं वो IOCL या फिर BPCL या फिर HPCL के होंगे तब। दोस्तों लिमिट के बारे में मैं बात कर लेता हूं, तो आपको डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट मिलती है इस डेबिट कार्ड की 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। और डेली परचेस लिमिट, चाहे वो ऑनलाइन या फिर जो POS की लिमिट कह लीजिए इसको, तो आपको मिलती है डोमेस्टिक 7,50,000 रुपये और इंटरनेशनल की 3,00,000 रुपये। और अब बात करें फीस और चार्जेस की, तो जो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी होती है वो 1,999 रुपीज़ प्लस GST होती है, 1,999 रुपये प्लस GST होती है। इसके अलावा जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो 4,999 रुपीज़ प्लस GST होती है, 4,999 रुपये प्लस GST होती है। तो जो ज्वाइनिंग फ़ी होती है तब आपसे ली जाती है जब आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाता है, और बाकी जो एनुअल फ़ी होती है आपसे नेक्स्ट ईयर से ली जाती है। और अगर आप अपने डेबिट कार्ड को रीइशू कराते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड आपका कहीं पे गुम हो गया या फिर डैमेज वगैरह हो गया, तो इसके लिए 200 रुपये की फ़ी होती है जिसमें कि GST भी जुड़ता है। तो दोस्तों यही था ICICI बैंक का एक्सप्रेशन सफारी डेबिट कार्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स बताए और फीस और चार्जेस भी बताए। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में कि डेबिट कार्ड मेरे लिए कैसा है। मैं अपने लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए डेबिट कार्ड उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें मेरे काम के फीचर्स और बेनिफिट्स नहीं है। अब हो सकता है बहुत से लोगों के लिए डेबिट कार्ड अच्छा हो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें जो हमें वाउचर्स मिलते हैं तो वो मेरे इतने काम के नहीं होंगे, चाहे वो क्रोमा का हो गया या फिर काया का हो गया या फिर वो फोर माउंटेंस का हो गया या सवारी का हो गया या फिर सेंट्रल का हो गया, क्योंकि मैं कभी इनका यूज़ ही नहीं करता हूँ। इसके अलावा मूवीज़ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, बट वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे मिलता है, तो ये भी मेरे लिए उतने काम का नहीं है। बस इसमें एक ही जो है वाउचर मेरे काम का है और वो है अमेज़ॉन का, इसके अलावा बाकी मेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, इसमें हमें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन इतना पैसा जब हम दे रहे हैं इस डेबिट कार्ड के लिए तो इतने हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए हैं। हाँ, इसमें जो आपको असिस्टेंस की फैसिलिटी मिलती है वो बहुत अच्छी है। अब आप बता दीजिए कि आपके लिए कैसा रहा डेबिट कार्ड। मैं अपने बारे में बात कर रहा था, ये जान लीजिएगा, मैं सबके बारे में नहीं बात कर रहा था। तो आप बता सकते हैं अपने ओपिनियन के बारे में कि आपको डेबिट कार्ड कैसा लगा। और बस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।